नमस्ते, मेरा नाम स्वाति है। आज हम लोग इनसिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। पहला तो इनसिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, दूसरा वो पैदा किस तरीके से होती है, तीसरा अपन उसका कर क्या सकते हैं। तो टू स्टार्ट विद, व्हाट इज़ इनसिक्योरिटी, अगर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन देखें उसका मतलब होता है असुरक्षित फील करना। असुरक्षा का मतलब होता है कि यू फील एक्सपोज टू समथिंग। सो वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ हाउस। हम सब घरों के अंदर रहते हैं। अब घरों के अंदर रहते हैं तो बरसात से, धूप से, बहुत तेज चलने वाली हवा से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर हम लोग यही बाहर ओपन में रहते हैं तो फिर वही चीज़ हमें थ्रेटन कर सकती है कि बहुत तेज़ हवा है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकता है, कड़कती धूप है तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकता है। एट द सेम टाइम हर घर के अंदर दरवाजे और खिड़कियां होते हैं तो हमें बंद हो जाने का डर नहीं होता है। आपको जब चाहिए आप वो खिड़कियां खोल सकते हैं, आपको जिसके लिए चाहिए वो दरवाज़ा खोल सकते हैं, आपको जब बाहर जाना है जा सकते हैं। तो अंदर बंद या ट्रैप हो जाने का भी फेयर नहीं होता है, यानी देर इज़ एक्सेसिबिलिटी टू दी आउटसाइड एट योर ओन चॉइस। तो यहाँ पे फिर हम ऑटोमेटिकली सुरक्षित फील करने लगते हैं। So insecurity means that when you're feeling exposed to some kind of a risk, जो आप अपने आप handle करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं। Now insecurity in physical means कई बार हमें ज़्यादा easily समझ आ जाता है। वो लोग जो earthquake prone zones में रहते हैं या जहाँ floods बहुत easily हो जाने के chances होते हैं, या जहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो पानी बहुत ख़राब है, या उन सब की वजह से बीमारियों के वजह से हमेशा एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो ये फिजिकल रिस्क होते हैं। व्हाट वी विल फोकस अपॉन इज़ द साइकोलॉजिकल एंड द इमोशनल रिस्क दैट अ पर्सन कैन गो थ्रू। सो वी कैन बी इनसिक्योर इवन इमोशनली एंड मेंटली। अब कोई पूछे मेंटली, तो फिर हमारे दिमाग में होता है वी कैन चूज़ नॉट टू बी इनसिक्योर। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी इज़ अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। जब हम कहते हैं कंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेवलप हुई होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमारी इच्छा हुई कि मैं इनसिक्योर फील नहीं करूँगी एंड वी कैन स्टॉप फीलिंग इनसिक्योर, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली एंड स्टेडली सोशल सर्कमस्टांसिस की वजह से हमारे अंदर वो इनसिक्योरिटी डेवलप हुई होती है। तो इफ़ यू टेक अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, चिल्ड्रन आर नॉट इनसिक्योर। चिल्ड्रन कैन बी स्केर्ड, चिल्ड्रन कैन बी एंग्री, चिल्ड्रन कैन बी कन्फ्यूज, बट चिल्ड्रन आर वेरी रेजिलियंट। उनको जैसे ही दिखता है आसपास कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति है जिसके पास वो जा सकते हैं, तो कोई भी चीज़ हो रही हो वो बच्चा थोड़ा सा रो लेगा, लेकिन फिर वो जाकर वो बड़े इंसान के पास हग कर लेगा या उसकी गोदी चढ़ जाएगा एंड सुरक्षित फील करने लगेगा। बट उस बच्चे को जब उस वक्त वो सुरक्षा नहीं मिलती है, व्हेन द चाइल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल चाइल्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिस्क्स में वो बच्चे को इन्वॉल्वमेंट अपने आप को अकेला पाता है, तो फिर धीरे धीरे करके इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। तो डर और इनसिक्योरिटी में फ़र्क होता है। डर हमें हालात की वजह से उस वक्त लगता है। तो जैसे आप बहुत अंधेरे में जा रहे हैं एंड कोई रस्सी पड़ी है, लेकिन आपको लगा सांप है तो आप डर जाएंगे, बट जैसे ही आपको लगा रस्सी है यू विल बी ओके एंड आप फिर उससे आगे निकल जाएंगे। या फिर अभी भूकंप आया तो आपको डर लगेगा ऑफ रिस्क ऑफ योर लाइफ एंड ऑल ऑफ दैट। एक बार आप एक सेफ जोन में पहुँच गए, ऑटोमेटिकली वो डर ख़त्म हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन का डर है, कल एग्जाम खत्म हुआ परसों फियर भी खत्म हो जाता है। बट इनसिक्योरिटी इज इंटरनल। वो सिचुएशन खत्म होने के बावजूद भी देर इज अ लिंगरिंग सेंस ऑफ फियर दैट कंटिन्यूज इनसाइड ऑफ वन सेल्फ। एनी काइंड ऑफ लॉजिक, एनी काइंड ऑफ रीअश्योरेंस कैन नॉट रीअश्योर एन इनसिक्योर पर्सन कि इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। वो फीलिंग कंटिन्यूअल बनी ही रहती है। सो देन व्हाट एम आई सेइंग इनसिक्योरिटी इज, व्हेन फियर हैज स्टेड फॉर टू लॉन्ग एंड विद वेरी इंटेंस इंटेंसिटी, तो उस फीलिंग को हम लोग इनसिक्योरिटी बोलते हैं। द सेकेंड वे टू एक्सप्लेन इनसिक्योरिटी इज, इफ
Chinta has been a very major part of it. If worry has stayed on too long and there has been no resolution of the worry, then insecurity becomes a habit, or insecurity becomes a tendency that we are going back to again and again. So intense fear and intense worry can condition us to become insecure people. Now this is the meaning of insecurity. Now why does it develop over a period of time? So sabse pehle, before we see how it develops, hum kin cheezon ko lekar insecure ho sakte hain? The first thing we are always insecure about is not having enough resources. तो पैसे को लेकर हम इनसिक्योर हो सकते हैं कि मेरे पास एनफ पैसा नहीं है, या जो काम करना है उसके लिए एनफ टूल्स नहीं है दैट आई कैन मैनेज दैट पर्टिकुलर थिंग. दैट डेवलप्स अ ह्यूज सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. सेकेंड थिंग इज नॉट हैविंग एनफ एबिलिटी टू डील विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन. तो कोई भी सिचुएशन आया, कुछ लोग उसको अच्छी तरीके से डील कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने आप के ऊपर विश्वास होता है एंड दे वर्क विद द राइट रिसोर्सेज टू बी एबल टू डील विद दैट. बट इफ आई फील आई एम नॉट केपेबल ऑफ दैट, देन ऑटोमेटिकली आई विल बिगिन टू बिकम इनसिक्योर कि ये सिचुएशन तो मुझसे हैंडल हो ही नहीं सकता. एंड द थर्ड थिंग इज नॉट लाइक बीइंग लाइक्ड और सोशली नॉट बीइंग एक्सेप्टेड, उस चीज की हमें इनसिक्योरिटी हो सकती है. सो वी आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग कि और लोग मुझे जज कर रहे हैं, और लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसने मुझे ऐसा बोला तो क्यों बोला. सो कॉन्स्टेंटली व्हेन वी आर लुकिंग एट आवर सेल्फ इन अ सोशल सिचुएशन वी कैन फील इनसिक्योर. सो ये थ्री एरियाज ऑफ इनसिक्योरिटी में बाकी सारी इनसिक्योरिटीज कैन बी बकेटेड इनटू दीज थ्री एरियाज. वन इज ऑफ रिसोर्सेज, सेकेंड इज ऑफ पर्सनल एबिलिटीज, एंड थर्ड इज ऑफ बींग लाइक्ड और नॉट लाइक्ड इन अ पर्टिकुलर सोशल सर्कमस्टेंस. नाउ वॉट टू डू अबाउट दीज इनसिक्योरिटीज? एज आई सेड, इनसिक्योरिटी इज अ लर्नड रिस्पॉन्स, सो इट इज ऑल्सो ईजी फॉर अस टू अनलर्न इट. सो वील स्टार्ट विथ सिंपल थिंग्स ऑन इनसिक्योरिटी, शुरू कैसे हुआ तो उसको हम अनलर्न कैसे कर सकते हैं. I'll tell you about a person who was telling me, उनका child sexual abuse हुआ था 4-5 साल की जब वो थी, तब कुछ वक्त continually हुआ था. तो उनके किसी friend के घर में उस friend के elder sexual abuse उस बच्ची के साथ किया करते थे. तो in therapy when she was revealing कि exactly उसको उस वक्त की क्या memory है, तो the memory that she had was सारे बच्चे खेल रहे हैं and this elder person is holding her hand and taking her away from that particular place. Now the child is not feeling or is not aware ki wo uncle kya karne wale hain, but the child is continually feeling that I am not, I want to play with my friends but I am not with my friends. So the only thing she feels is I don't want to go with this uncle, I want to play. इट इज़ नॉट बिकॉज देर इज एन इनसिक्योरिटी कि अंकल क्या करेंगे. 5 साल के बच्चे को समझ नहीं आता है कि वो अंकल क्या करेंगे अनलेस अ फ्यू टाइम्स इट हैज हैपेंड. बट वॉट बिगिन्स टू बिकम द इनसिक्योरिटी जब आपके साथ कंटिन्यूअली चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज होता है, द रीजन वाई वी से दैट सेक्शुअल ऑफेंस इज मच वर्स दैन फिजिकल ऑफेंस, ऑल्दो फिजिकल ऑफेंस के अपने इशूज होते हैं, इज बिकॉज वो बच्चे को फिर लगने लगता है आई डोंट हैव अ चॉइस ऑफ माई ओन. सो अपने दिल की सुन पाना या अपने आप को हाँ या ना कहने की स्थिति में पा पाना, दैट एबिलिटी फॉर चॉइस इज टेकन अवे व्हेन अब्यूज इज वेरी हाई इन द चाइल्डहुड. सो अब्यूज से तो फिर भी हील हुआ जा सकता है, लेकिन वो जो फीलिंग आता है आई डोंट हैव अ चॉइस या आई एम कॉन्स्टेंटली अंडर थ्रेट, वो इनसिक्योरिटी के साथ काम करने के लिए वी हैव टू बी वर्किंग अ लिटिल डिफरेंटली दैन इफ यू आर वर्किंग ओनली विद द मेमोरी ऑफ द चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज. सो इनसिक्योरिटी काहे की आई? दैट आई डोंट हैव अ चॉइस, मुझसे नहीं होगा, आई कैन नॉट फाइट बैक, दैट अंकल इज टू बिग, आई कैन नॉट. सो ये सिचुएशन फिर हम ट्रांसफर करते हैं टू अदर सर्कमस्टांसेस इन आर लाइफ. तो ऐसा नहीं है कि केवल सेक्शुअल एरिया में sexual abuse ends up affecting, it ends up affecting the area of choice in every other area too.
So that child, when they grow up also, either they become too aggressive and they stop listening to anybody, or they will keep trying to cope up and adapt to the demands that the other person are making of them. So a lot of people say you are a people pleaser. अब वो पीपल प्लीजर कैसे बना वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ अ पर्सन इज़ अ पीपल प्लीजर कि हमेशा औरों के बारे में ही सोचते हैं कि वो मुझसे नाखुश क्यों ना हो जाए, दे आर कमिंग फ्रॉम सम इनसिक्योरिटी दैट लाइज विद इन देम सेल्फ. सो इनसिक्योरिटी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैव योर ओन चॉइस या मेक योर ओन डिसीजन, दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज और एनी काइंड ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा. Another kind of insecurity that can end up happening is कि आपने पैसे के प्रति attitude क्या देखा है, right? कई घरों में आप देखेंगे कि पैसा कम है, उसके बावजूद एक तंगी की feeling नहीं होती है. बच्चों को भी पता होता है कि अपने को बहुत ज़्यादा demand नहीं करना है, and बड़े भी जितना वो provide कर सकते हैं वो पूरी तरह provide करते हैं. बट कई परिवारों में ऐसा होता है कि पैसा है या नहीं है दैट बिकम सेकेंडरी, बट एक तंगी की फीलिंग हमेशा बनी रहती है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है. ना वहाँ पे एक क्लैरिटी नहीं होता है कि किन चीज़ों के लिए पैसा है और किन चीज़ों के लिए पैसा नहीं है, तो हाउ आर द बजट्स वर्किंग. सो कई परिवारों में बच्चों को फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है तुम पैसे के बारे में मत सोचो, लेकिन बच्चा कभी भी कोई डिमांड रखता है विच कुड बी समथिंग एज रीजनेबल एज स्कूल पिकनिक के लिए पैसे देने हैं, तो पैसा नहीं होता है. बट अगले दिन द चाइल्ड एंड्स अप सीइंग कि घर में एक बहुत बड़ा फ्रिज लेकर आए हैं या पापा ने एक नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदा है. अब वो पिकनिक जाने के लिए पैसे नहीं हैं लेकिन नए मोबाइल फ़ोन के लिए पैसे हैं. तो दिस नॉट नोइंग ऑफ अ सिचुएशन कैन क्रिएट इनसिक्योरिटी. So not having money might not create as much insecurity as the uncertainty of money which can end up creating insecurity. Now as I was talking about the previous one also, helping a person learn that you have a choice, usi tarike se having more clarity on budgets, financial thinking, financial planning. ये हमारा इनकम है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, एंड एक्सपेंडिचर कैन देन बी डिवाइडेड इनटू वाइटल एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल. तो आपका प्रोविजन है, आपका ट्रैवल है, आपका जो भी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो वाइटल में है, यू कैन नॉट बी डिली डैलिंग विद दैट पार्ट ऑफ इट. बट आप इंटरनेट का कौन सा प्लान लेते हैं, घर में सबके फ़ोन पे इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी होगा या नहीं होगा, दैट कैन फॉल इन द एसेंशियल बकेट डिपेंडिंग ऑन द फिनेंशियल सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली. तो जितना ज़्यादा एंड जितना जल्दी हम लोग बच्चों को क्लियर फिनेंशियल थिंकिंग में इन्वॉल्व करेंगे, नॉट कि हम बच्चों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ डायलॉग्स लाइक पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, तुमको तो जब देखो तब पैसा ही खर्च करना होता है, विच कैन लेटर ऑन लीड टू इनसिक्योरिटी इन द चाइल्ड इफ़ देर इज़ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आप 5 साल के बच्चे को इनकम और एक्सपेंस का फ़र्क तो समझा नहीं सकते, लेकिन आप उसको जब बाज़ार लेकर जाते हैं तब आप उसको एक 50 रुपये का नोट देकर बोल सकते हैं वो अंकल से पूछ लो 50 रुपये में जो आएगा आप उसमें से ले सकते हैं, ठीक है. या वेन माई चिल्ड्रन वर गोइंग अप 5 रुपये में आता था, so every day when I brought them back from school I used to give them 1 5 rupee and then usme you pick up whatever, it can be a chocolate or it can be junk food or it can be anything that you are looking at, but that is 5 rupees a day. Now that brings in clarity to the child ki mujhe milega to 5 rupees ka milega. Ab yahan pe unknowingly kya hota hai, bachcha demands big things, dukano mein jate hain vagair karte hain, to maa baap उस दिन कितना मूड में है या कितना थके हुए हैं उस हिसाब से दे एंड अप डिसाइडिंग कि वो बच्चे को दिलाने वाले हैं या नहीं दिलाने वाले. सो देर इज़ नो मेथड टू कब मम्मी पापा विल बी हैप्पी एंड गिव मी व्हाट आई वांट एंड कब मम्मी पापा विल नॉट बी हैप्पी एंड नॉट गिव मी व्हाट आई वांट. सो वो बच्चा साम दाम दंड भेद सभी ट्राई करता है, वो वहाँ पे दुकान में बैठ के टेंट्रम करेगा, वो वहाँ पे मम्मी को मारेगा, वो रोएगा, वो बार्गेन करेगा, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, आप मुझे केवल ये दिला के दे दो. सो द चाइल्ड विल डू अ लॉट मेनी थिंग्स टू गेट द पेरेंट टू एग्री. नाउ इफ द पेरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज़ नोन कि मैं ये नहीं ही दिलाने वाला हूँ,
सिंपली बिकॉज इस चीज की जरूरत नहीं है, इट्स बियॉन्ड अ बजट लिमिट एंड वो दो दिन से ज्यादा बच्चा खेलने नहीं वाला है, तो यू आर ओके विद अ 100 रुपए का टॉय इंस्टेड ऑफ 1000 रुपए का टॉय आप नहीं दिलाने वाले, तो बच्चे के साम दाम दंड भेद से भी नहीं मानकर नहीं बेटा फिर अपन लोग इस दुकान से बाहर जाके वी विल डू समथिंग एल्स, बच्चा थोड़ा रोएगा बट फिजिकली आप उसको रिमूव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली द चाइल्ड नोज मम्मी पापा का नो मीन्स अ नो. Where problem comes, yes, the child cannot manipulate the parent in that whole thing. So usually we recommend to parents at least बच्चे 8 साल के हो जाएं तब तक आप उनकी 10 में से 8 ख्वाहिशें मान लीजिए, पर दो जो मना करते हैं that is a no means a no. ये नहीं है कि बच्चा बहुत रोने लगा तो finally आपने given कर दिया, right? लेकिन 8 के लिए आप ना बोलेंगे तो of course बच्चा आपको manipulate करने पे तुलेगा ही. बट अगर आपने 8 दे दिए और 2 के लिए ना बोला है, थोड़ा रोएगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ करेगा, आप अच्छी मम्मी नहीं हो, ये हो, बच्चों के डायलॉग बहुत अच्छे अच्छे आते हैं हमको गिल्ट करवाने के, बट दे विल फाइनली एग्री, राइट. सो व्हाट प्रोवाइड्स इनसिक्योरिटी इज नॉट नोइंग कि मम्मी पापा क्या देंगे और क्या नहीं देंगे. सो इनफैक्ट इट इज सेड इन साइकोलॉजी टेक्स्ट बुक्स बैड पेरेंट्स आर बेटर than inconsistent parents. So you have good parents, you need good parents. That's a very good thing to have. But if there are bad parents, आपको पता है हर चीज के लिए मना ही करते हैं, आपको पता है हर चीज के लिए मार ही पड़ने वाली है, सो बच्चा उस चीज को अट्यून हो जाता है on how to deal with it. लेकिन कब मार पड़ेगी, कब वो प्यार से मेरे को खिलाने लेकर जाएंगे, कब वो मेरे साथ मस्ती करेंगे और कब मुझे एक बेल्ट निकाल के मार देंगे, वो जब बच्चे को पता नहीं होता है, दैट कैन बिगिन द डेवलपमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी इन अ चाइल्ड. सो द फिनेंशियल इनसिक्योरिटीज कैन बी मैनेज्ड विद क्लैरिटी ऑफ विजन कि हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. तो 5 साल के बच्चे को आप उसके हाथ में पैसा देते हैं फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड. 13 साल के बच्चे का आप एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं एंड यू कैन बिगिन टू स्टार्ट अ पॉकेट मनी ऑफ वॉट एवर 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन आप किस सोशल सेक्टर में रहते हैं, ऑन हफ्ते का, बिकॉज महीने का बच्चा बजट नहीं कर सकता है 13 साल का, बट हफ्ते का कि आपको अगर उल्टा सीधा कुछ भी खाना है या जो भी वो घर पे आके नहीं मांगना, ये आप खा सकते हो. अब उसमें आपने 10 रुपये की पानीपुरी खाई या 100 रुपये का फ्रेंकी खाया, वो आपके ऊपर है, बट हफ्ते में आपको और पैसा इसके बाद नहीं मिलेगा. तो ऑटोमेटिकली व्हेन द चाइल्ड इज 16 यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. लेकिन अगर ये प्रोसेस शुरू से नहीं शुरू किया है तो द लिंगरिंग फीलिंग ऑफ आई डोंट नो अबाउट मनी दैट कैन कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि आपको अपना बजट करना नहीं आता, कितना ही पैसा हाथ में क्यों ना हो, पैसे को लेकर एक कॉन्स्टेंट इनसिक्योरिटी बनी रह सकती है. सो पैसे की इनसिक्योरिटी में एट टाइम्स देन वी बिगिन टू क्रिटिसाइज, गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया इस वजह से नहीं है, आजकल मार्केट डाउन है इस वजह से नहीं है, या मैं कितना भी मेहनत कर लूँ मुझे तो मेरी तो किस्मत ही खराब है इस वजह से मुझे पैसा नहीं मिलता है, या सामने वाले को ज़्यादा पैसा मिल रहा है मुझे कम पैसा मिल रहा है. तो वी इन सम वेज कीप एक्सप्रेसिंग दीज फॉर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ मनी, वेर इज द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी इज इनसाइड, इट इज़ नॉट इन द एक्चुअल मनी यू हैव और यू डोंट हैव. सो हर फैमिली का अपना एक तरीका होता है इनकम के बारे में सिक्योर फील करने का. तो अगर हम लोग जॉब सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, तो पहले के ज़माने में लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा जाना चाहते थे क्योंकि इनकम की सिक्योरिटी है, जॉब की सिक्योरिटी है, एज वेल एज बाद में पेंशन की सिक्योरिटी है. बट नाउ प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, जहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है बट पर्क्स एंड द सैलरीज आर वे हायर, जिसमें आपको अपना रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह खुद करना होता है. सो द पीपल हु आर एबल टू थिंक एंड स्लॉट देयर गोल्स प्रॉपरली, इवेंचुअलिटीज के लिए भी जो लोग थोड़ा सा पैसा रख सकते हैं इमरजेंसी फंड में एंड ऑल दैट स्टफ, दे विल फील सिक्योर. बट जो लोग हर महीने का उस वक्त का आया उस वक्त खर्च कर दिया, इस महीना ज़्यादा पैसा आया है तो इस मंथ उड़ा दिया, अगले महीने नहीं है तो कुछ भी नहीं किया और अपने आप को बंद कर लिया. सो जो लोग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, वहाँ फिनेंशियल इनसिक्योरिटी आ सकती है.
Now, financial insecurity, as I said, is not only about finances, it is also about resources. How can it end up happening? Ki ek bache ko, suppose maan lo, bahut intelligent bacha hai, and the child needs exposure to a good school jahan pe uski abilities develop ho sake. To jahan ek class mein 50 bache hain, uska hunar shayad samjha aur pick up bhi nahi hoga. Ye bacha insecure kaise ho sakta hai? By not even knowing what they are good at. That can develop insecurity. Ab insecurity in bachchon mein kis tarike se dikhai degi? Jinhone abhi tak apne hunar ko pehchana nahi hai, wo log hamesha restless rahenge, unhappy rahenge, chidchide rahenge, depressed rahenge, jyada dost nahi banayenge, ya hamesha doston mein ek wo peer pressure mein aake ayashi wale level pe chale jane ka jo hum log bolte hain. So why are they drifting away from life? Because they don't know what they are, and they don't know what they are because they don't have the resources to know what they are. So for example, 10th tak mein hum sare subjects bachchon ko padhate hain. Ab wo sare subject mein kahin na kahin ek idea aane lagta hai ki koi bachcha English ke essays and extra functions hai, independence day wagar ke functions ke skits wagar achha kar leta hai. कोई बच्चा मैथ्स बहुत अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में बहुत अच्छा होता है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स बहुत अच्छा कर लेता है. तो ऑटोमेटिकली 10th तक आते आते थोड़ा 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 हमें हर बच्चे का हुनर दिखने लगता है. बट व्हाट एंड्स अप हैपनिंग वेयर यू डोंट हैव एक्सपोजर, 50-60 बच्चों का क्लास है, तो वहाँ पर वो जो टॉप रैंकिंग 4-5 बच्चे होते हैं उन्हीं को स्पोर्ट्स में सेलेक्ट करते हैं, उन्हीं को स्किट्स लिखवाते हैं, उन्हीं को साइंस मैथ्स में एनकरेज करते हैं, उन्हीं को सब कुछ करते हैं. तो बाकी के जो 40 चिल्ड्रन हैं जिनमें और दूसरे तरह के हुनर हो सकते हैं, वो फिर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अपने अंदर महसूस करने लगते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एक्सपोजर टू एनी रिसोर्सेज टू नो वॉट दे कैन बी गुड एट. अब वो नहीं होने की वजह से क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिगिन टू बिलीव दे आर नॉट गुड इनफ, उनसे तो कुछ नहीं होने वाला, राइट? अब ये क्यों हुआ? बिकॉज दे डोंट नो वॉट दे कैन बी डूइंग. तो स्कूल में इग्नोर्ड फील करते हैं, घर पे सिर्फ टीवी या मोबाइल वगैरह पे बैठे रहते हैं, तो दे नेवर रियलाइज फॉर देमसेल्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज हैविंग वेरी गुड एबिलिटीज जिनकी समझ नहीं है कैन ऑल्सो मेक अ पर्सन इनसिक्योर. वील टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेशेंट ऑफ माइंड. 23 ईयर्स की ये लड़की थी, सोशल सेक्टर में काम करती थी. अब वो काउंसलिंग के लिए आई थी क्योंकि उसको एन्जाइटी बहुत होता था. एंड एन्जाइटी क्या होता था, सपोज उसने किसी को फ़ोन लगाया एंड वो व्यक्ति ने फ़ोन नहीं उठाया, तो देन हर माइंड विल बिगिन टू रेस, हर माइंड विल बिगिन टू से एक्सीडेंट हो गया है, फिर इतने लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इस तरीके से वो बस के नीचे मोटरसाइकिल आ गई है, एंड फिर वो हॉस्पिटल से, अभी मेरा फ़ोन बजेगा एंड यहाँ से मुझे पता चलेगा वो व्यक्ति मर गया है, या किसी के घर पे फ़ोन किया उसने घर नहीं फ़ोन नहीं उठाया है तो वहाँ पे चोरी हो गई है, बर्गलरी हो गई है, कोई लोग घुस आए हैं, वो लोग फ़ोन सुन रहे हैं लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं सकते हैं. तो उसका दिमाग एक बार जो चालू होता था फिर वो बंद ही नहीं होता था. Now she also felt and उसके आसपास के जितने लोग थे बेचारे उसे परेशानी थे, who can deal with somebody's anxiety which can go to that level एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो everybody felt she is a very insecure person. When we took a history, we realized that this girl is a very creative person. So जब तक she was doing literature, तब तक उसको इस तरीके के थॉट्स और विचार नहीं आते थे. एंड अभी 23 साल की है, यानी 2-1 साल से जो उसने जॉब करना शुरू किया है उसको मेंटल और फिजिकल स्पेस नहीं रहती है टू रीड एनीथिंग या टू वॉच एज मेनी मूवीज एज शी वुड लाइक टू वॉच. या शी वॉज वेरी एक्टिव इन द थिएटर स्पेस, सो शी वुड गो फॉर अ लॉट ऑफ प्लेज एंड थिंग्स लाइक दैट जब तक वो कॉलेज में थी. अब 2 साल से क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, she just began to come across as very insecure because then her mind will create the drama. She wanted the drama. Now wanting the drama is not a bad thing. It's just that you need activity to the mind. And kyunki social sector mein ek particular kind of thinking hi hota hai and ek particular kind of emotion hi aap deal karte hain, you're constantly dealing with stress.
सोशल सेक्टर में यू डीलिंग विद पीपल्स प्रॉब्लम्स, तो उस वजह से उसको अच्छे ड्रामास दिमाग में क्रिएट नहीं होके, क्योंकि उसका एवरीडे लाइफ में स्ट्रेस था, ओनली एंड ओनली स्ट्रेसफुल ड्रामास वुड क्रिएट इन हर माइंड. नाउ दिस इफ यू गो टू सी इज नॉट अ इनसिक्योरिटी इशू, दिस इज अ ब्लॉकेज. ठीक है, तो वॉट यू कैन डू इज जस्ट सजेस्ट टू द पर्सन, वाई डोंट यू बिगिन टू रीड अ लिटिल, या महीने में एक आध बार तो यू कैन चूज टू कैच अप विद अ मूवी और मे बी गो. आजकल तो मीडियम्स भी इतने हो गए, आप घर पे ही मतलब रोज 15-15 मिनट की मूवी देख लो, पूरा 3 घंटा एक साथ नहीं बैठ सकते हो. तो अ सिंपल सोल्यूशन ऑफ दिस काइंड, तो अ पर्सन हु सीम्स टू बी इनसिक्योर, यू कैन सी दैट इट वॉजेंट इनसिक्योरिटी. तो कई बार क्या होता है, ये समझ पाना दैट इट इज इनसिक्योरिटी और नॉट इनसिक्योरिटी, दैट इन इट सेल्फ इज अ प्रॉब्लम. सो वी लुक एट सर्टन वेज टू अंडरस्टैंड कि हम इनसिक्योरिटी है या नहीं है, उस चीज को समझेंगे. यस, या ठीक है. तो इनसिक्योरिटी जहां से शुरू करती है, वी विल लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. हम सबके मन में एक आइडियल सिचुएशन होता है. यूजुअली हम सेल्फ के बारे में बात करेंगे, आइडियल सेल्फ होता है दैट अगर मैंने ये अचीव किया, मैं अगर अपने दिन में इतना इतना कर सकती हूँ, देन आई एम सक्सेसफुल और आई एम हैप्पी. उसी तरीके से जो आइडियल है उसके अगेंस्ट में देर इज अ रियल सेल्फ. ठीक है, तो जहां भी आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज्यादा दूरी है एंड कॉन्स्टेंटली ये दूरी बनी रहती है, तो फिर इनसिक्योरिटी विल बी बिगिनिंग टू बी विजिबल. तो अगर सपोज मान लो माई आइडियल सेल्फ इज हियर, माई रियल सेल्फ इज हियर, आई हैव अचीव दिस, देन आई हैव पुश्ड माई आइडियल सेल्फ हियर, तो ऑटोमेटिकली वॉट इज हैपनिंग, आई एम क्रिएटिंग अ स्टेप एंड बिगिनिंग टू बिकम द आइडियल सेल्फ दैट आई वॉन्ट टू बिकम. बट सपोज माई आइडियल सेल्फ इज कि मैं तो चांद पे ही जाके घर बनाऊंगी, राइट, एंड वॉट एवर आई एम डूइंग इन माई टूडे सिचुएशन विल नॉट लीड मी कि मैं चांद पर जाके घर बनाऊंगी, एंड दिस डजेंट सीम टू बी सो. इट इज अ डिफरेंट थिंग ऑफ द रिसर्च विच इज गोइंग ऑन कि हम चांद पर टूरिज्म चालू करेंगे एंड वील टेक पीपल टू द चांद, दैट्स अ डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च विच इज गोइंग ऑन. बट आज यहाँ बैठे बैठे विदाउट नोइंग दोज रियालिटीज, इफ आई से मेरा तो चांद पर ही घर होगा, ऑटोमेटिकली वॉट एम आई डूइंग, I am finding and holding on to insecurity. अब कोई यहाँ पे ये बोलेगा, अरे नहीं ये व्यक्ति तो बहुत optimistic है और ये व्यक्ति तो बहुत बहुत ज़्यादा you know progressive है, देखो कितने बड़े बड़े सपने देखता है. बड़े सपने देखता है is very good, but बड़े सपने देखने के लिए जो नीचे कदम चलने हैं वो अगर नहीं चल रहा है तो the insecurity will be very high. We'll take a simple analogy. आपको पहाड़ की चोटी पे जाना है, आप पहाड़ की चोटी पे जाना चाहते हैं, आप उसको देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेटेड हो रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको नीचे देख के ही पड़ेगा ना. अगर आप ऊपर देख के चलेंगे क्योंकि आपका इंस्पिरेशन वो है, तो ऑटोमेटिकली आप खाई के नीचे अंदर गिरेंगे. तो इनसिक्योरिटी विल हैपन इफ यू आर नॉट एबल टू लुक एट ओनली द नेक्स्ट 3 steps. इफ यू आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट 25 steps, देन आप अगर वहां देखकर चलेंगे तो यहां कब ठोकर खा के गिरेंगे वो पता नहीं चलेगा. सो एनीबडी हु एंड्स अप हैविंग अनरियलिस्टिक आइडियलिस्टिक आइडियाज ऑन और अनरियलिस्टिक गोल्स. अब यहां वी विल नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ अ चाइल्ड वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, दैट्स नॉट एन अनरियलिस्टिक गोल. वो उसकी मेहनत नहीं करता है पर वो बोलता है आई विल बी अ साइंटिस्ट, देन इट इज अनरियलिस्टिक. बट आप देखते हैं ये बच्चा कहीं कहीं कुछ कुछ तो भी एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी किताब लेके पढ़ लेता है, कोई भी टीचर है जो इसको समझा सकता है तो उसके पास जाके बैठ जाता है. तो जरूरी नहीं है कि स्कूल में मार्क्स लेकर आ रहा है, बट अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल कम बैक एंड टेल यू बॉस ये बच्चे में दम है, देन इट्स नॉट एन अनरियलिस्टिक गोल बिकॉज द चाइल्ड इज पुटिंग इन द एफर्ट. अब वो साइंटिस्ट बन पाएगा या नहीं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन. बट यहाँ कई बार क्या होता है, माँ बाप फिर उसको अनरियलिस्टिक बोलने लगते हैं. किसी को म्यूजिशियन बनना है, उसको पढ़ाई नहीं करनी है,
तो माँ बाप के हिसाब से करोड़ों में दो जन सक्सेसफुल होते हैं. नो, म्यूजिक इज अ वेस्टेड थिंग. तो वो उसको एफर्ट भी नहीं डालने देते. दे कॉल इट अनरियलिस्टिक. ओके, बट इट कुड बी दैट यू कुड इन्वेस्ट इन द चाइल्ड्स म्यूजिक लर्निंग एंड द चाइल्ड कुड बिकम दैट. सो यहाँ पे आइडियल और रियल हम लोग सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से जाकर नहीं डिसाइड करेंगे. वो उस व्यक्ति का इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो रियल सेल्फ उसका कहाँ है और आइडियल्स उसके कहाँ है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज लेसर, सिक्योरिटी इज हायर. इफ द डिस्टेंस इज टू हाई, देन इनसिक्योरिटी इज हायर. सेकेंड रीजन वाई यू कैन एंड अप हैविंग इनसिक्योरिटीज, ये काफ़ी लोगों को पता होगा. मास्लोव्स हायरार्की ऑफ नीड्स इनको बोलते हैं. इसमें हम बोलते हैं कि सबसे पहला और बेसिक होता है हमारे फिजिकल नीड्स, खाना पीना सोना एक्सक्रीशन, ऑल ऑफ द फिजिकल थिंग्स दैट एंड अप हैपनिंग. तो या रोटी कपड़ा मकान, ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉल हियर. द सेकेंड इज सिक्योरिटी. The third is love and belongingness. The fourth is esteem. And the fifth is self-actualization. Now, अगर हम लोग अभी जो लोग 50s वगैरह में हैं उनके बारे में बात करें, उनके parents का किस तरीके से था कि रोटी कपड़ा मकान health and education हमने ये पांच चीज provide की है, that is the best that we can be doing. Right? बाकी there were no intellectual understanding of हगिंग और कडलिंग और वॉट एवर इट इज. बट अगर आप देखें, बहुत नेचुरल एक प्यार दिखाने का तरीका वॉज ऑलवेज देयर. इफ आई टेक माई दादीज एग्जाम्पल, वेन माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न, शी टोल्ड मी बेटा ब्रेस्ट फीडिंग एक तो एकदम आराम से बैठ के करना है एंड उसके बम पे नहीं तो सर पे कॉन्स्टेंटली हाथ फेरते रहना है. एंड वाइल ब्रेस्ट फीडिंग वॉट शील डू इज शील जस्ट टेल मी कि उसके बाल को थोड़ा सा पार्ट करके उसको फूक मारते रहो, बिकॉज वो बच्चा इज इन अ क्लोज स्पेस तो वो गर्मी बहुत बच्चे को महसूस होती है, तो वो थोड़ा सा फूक मारते रहो. नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल वेरी वॉर्म जेस्चर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द चाइल्ड. यू आर नॉट डूइंग इट एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी वेर द चाइल्ड इज जस्ट फीलिंग दैट द मदर इज नॉट एबल टू translate any positive energy, right? So ye jo thi, it was a very automatic unconditional form of loving which was happening, so we didn't have to specially do anything to make a child feel loved. So a lot of physical needs ke through love and security was being able to be given to the child, right? Now a lot of things now are changing. In what format do we need to look at physical needs? Both the parents are working parents in a lot of situations, right? Now, a lot of times you are able to get the right kind of help for the child to constantly be in a warm environment. At times you feel the child is in an environment which is a little dry and cold, very professional, but it is not giving the warmth and the hugging and the cuddling and things like that. So, yahan pe in cheezon ko hume focus karna bahut zaruri ho jata. A small example could be, if suppose somebody asks you, do you love me? How would you feel if the answer is, what a stupid question? There can be only three answers to this question. Yes, I love you a lot. No, I'm not too sure of my feelings for you. Or maybe at times I really feel this way for you, but I don't think I want to be responsible for you being happy or unhappy. So I maybe like you, but you cannot have an answer saying what a stupid question. As soon as you are saying what a stupid question, what are you doing? You are creating a layer of insecurity for that other person. Right? So if somebody is asking if you love me, a hug can be a phenomenal way to express it. Or yes, I really love you can be a phenomenal way to express it. But if you block that thing out here, then automatically these five layers begin to get disconnected in a person. तो कुछ लोग होंगे जो मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ दिखाई नहीं देता क्या, प्यार करता हूँ कि नहीं, ये कैसा सवाल हुआ? Right? Now what is happening here is,
Yes, all the physical needs are provided for, but the physical blocks out every other aspect of the growth of the other person. आपका खुद का भी growth blocked है, आप physical needs के आगे देख ही नहीं पाते हैं, and आप सामने वाले का भी growth block कर रहे हैं by only saying that providing for you is reassurance that I love you. तो जैसे intelligent बच्चे हैं, they need a lot more here. Suppose a child has written a poem. वो poem समझ के आप उसकी तारीफ कर पाए, तो वो बच्चे को अच्छा लगेगा. But आपने केवल आपको समझ में तो आई नहीं, शायद आपने पढ़ा भी नहीं. Oh wow wow, I think you are a brilliant writer. You are the next Rabindranath Tagore of the country. That creates insecurity, where you have not connected to the real self, but you created an ideal self which is very far away for that person to achieve. And जो लोग भी ability होती है, and बच्चों को शुरू से ही ये पता होता है, ability के अंदर बच्चे को पता होता है ये मुझे मेरा काम पसंद आ रहा है या मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है. तो what is an adult supposed to respond? An adult is only supposed to say, बेटा I like your work. You don't have to say your work is the best. You have to give room for other people to say it is not good enough. Yani the child also should be able to be open to criticism. Growth kaise aata hai? Tareef se growth nahi aata hai. Growth aata hai criticism se. When you get the right feedback to improve on your work. So, tareef agar ki jaye to aapko achha laga ki nahi. Aapke liye wo acceptable hai ki nahi. ऐसे फालतू के काम मत किया करो. तुम केवल पेपर वेस्ट करते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो. ऑल ऑफ दीज रिजेक्शंस टू द नेचुरल इंक्लिनेशंस ऑफ अ चाइल्ड कैन बिगिन द चाइल्ड टू डेवलप इनसिक्योरिटीज, राइट? तो अगर अभी सिक्योर माँ बाप को कब लगता है? माँ बाप को सिक्योर तब लगता है जब उसका बच्चा अच्छे से पढ़ के स्कूली लेवल पे या जो भी वो उसको क्लासेस करवा रहे हैं उस लेवल पे अच्छे मार्क्स लाता है या एक्सेल करता है. But suppose the child is doing something third only. What ends up happening? The parents say you're wasting time. So बच्चे को validation ये नहीं चाहिए. उसको secure profession का कोई समझ नहीं होता है. 12 साल के बच्चे को आप बोलो कि आप पढ़ोगे तो फिर ये बनोगे, ये करोगे, उसकी समझ में नहीं आता है. उसको जो पसंद आता है वो जानने की कोशिश कर रहा है. But if you reject the esteem of the child by rejecting the child's choices, इनसिक्योरिटी वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है. क्योंकि एबिलिटी तो कुछ और है लेकिन करना आपको कुछ और चाहिए. लाइक आई वॉज टॉकिंग टू दिस बॉय, 30 ईयर ओल्ड, ही इज ट्राइंग टू गिव हिज MBA एग्जाम्स, राइट? एंड ही इज नॉट एबल टू क्रैक दैट GMAT. सो इन टॉकिंग टू हिम वॉट वी रियलाइज इज ही इज डूइंग दैट बिकॉज ही बिलीव्स दैट विल बी गुड फॉर हिज करियर. ही इज नॉट डूइंग दैट बिकॉज ही बिलीव्स दैट ही हैज अ गुड बिजनेस एक्यूमेंट. ठीक है, तो MBA करना चाहिए. सो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, बट इफ ही कुड डिस्कवर वॉट ही वुड लाइक टू डू एंड डू समथिंग इन दैट एरिया वर्सेज डूइंग एन MBA बिकॉज यू आर सपोज टू बी डूइंग इट, ऑटोमेटिकली द जबरदस्ती आई हैव टू डू इट इज मेकिंग हिम फील अंडर प्रेशर एंड नॉट बींग एबल टू क्रैक इट. आप फिर चारों तरफ देखते हैं, उस व्यक्ति को अच्छा आता है, उस व्यक्ति को अच्छा आता है, मुझे नहीं आता है, मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है. तो इफ एट ऑल इन दिस एरिया द मूवमेंट विद द पेरेंट हैज नॉट बीन स्मूथ, देन इनसिक्योरिटीज डेवलप. सो चिल्ड्रन नीड ऑल 5 लेवल्स टू बी एक्सपीरियंस्ड. जो लोग केवल एक लेवल देते हैं, जो लोग केवल 2 लेवल दे पाते हैं, दे ब्लॉक आउट द ग्रोथ ऑफ द पर्सन लीडिंग ऑन टू फ्यूचर इनसिक्योरिटीज. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या सो इट बिकम्स द स्पिरिचुअल ग्रोथ. बट अगर आप देखें, ऐसा नहीं है कि बच्चे में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता. इन माई अंडरस्टैंडिंग स्पिरिचुअल ग्रोथ इंक्लूड्स 3 थिंग्स. एक विश्वास होना कि सब ठीक हो जाएगा, या आई एम नॉट अलोन, कहीं ना कहीं से वक्त पे मुझे मदद मिल ही जाएगी. दैट फेथ इज स्पिरिचुअल ग्रोथ, वेर इन यू आर नॉट कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद योर सेल्फ
to become a better person. You are loving yourself and automatically you are enhancing. So faith, confidence, एक विश्वास होना खुद में, जिंदगी में, हर चीज में, आप जो चीजें कर रहे हैं, so वो self confidence के साथ execute कर पाना, and resilience, अगर कुछ गड़बड़ हो भी गया, तो be able to bounce back, to not be staying in that particular problem. So ये तीन चीजें जो होती हैं, ये आप छोटे बच्चे की उम्र में से शुरू होते हुए देख सकते हैं. 2 साल का बच्चा भी कोई चीज करता है तो बहुत confidently करता है. उससे अगर कुछ खराब हो जाता है एंड उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ती है तो उसका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है. सो चिल्ड्रन आर नॉट बॉर्न नॉन कॉन्फिडेंट, जिनका हमें कॉन्फिडेंस आगे बढ़ाना है. चिल्ड्रन आर बॉर्न विद दीज 3 एबिलिटीज. इन 3 एबिलिटीज को हम कैसे जिंदा रख पाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, परमिटिंग योर इंटरनल मैकेनिज्म टू हैव अ बाउंस बैक एबिलिटी एंड टू नो दैट स्लोली एंड स्टेडली यू विल progress. Ab why should we not be insecure? Insecurity is a feeling, padi hai man mein, padi hai, why do we need to deal with it? Kyunki insecurity is a chronic problem. Yani insecure, jaise maine aapko bataya, fear is something jo situational hua and agar usme se aap nikal gaye to nikal gaye, warna agli baar wo situation aane tak aapko dar nahi lagta hai. Insecurity kya hoti hai? Are aisa ho jayega, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे आई एम गोइंग टू फेल. दैट कॉन्स्टेंट क्रॉनिक इश्यू दैट कीप्स ईटिंग इन टू दीज एबिलिटीज ऑफ आर्स. सब ठीक हो जाएगा, ये विश्वास खत्म हो जाता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, एंड एबिलिटी टू डील विद प्रॉब्लम्स एंड बाउंसिंग आउट ऑफ इट वो खत्म हो जाता है. सो द वर्स्ट प्रॉब्लम पॉसिबल, उसका अपना एक टाइम फ्रेम होके खत्म होता है. Let us take problems which are as intense as the Rohingyas, या Syria में जो हुआ था, या Afghanistan में जो bombings वगैरह चल रहे हैं. उन चीज़ों में भी अगर आप देखेंगे, इंसान हमेशा depressed मुँह लटकाए हुए नहीं बैठा होता है. They will find their way, they'll play cards, they will fight with each other, they'll do some kind of masti, they'll do some kind of humor as a way to feel alive. तो कोई भी इंसान cannot constant under stress also constantly be under the radar. They will find their ways to bounce back and stay. आप देखिए ना soldiers को who are under constant threatening environment, वो थोड़े ना चेहरे पे हमेशा stress लेके घूमते रहते हैं. They find their own jokes and they find their own ways or they find their own ways of teasing each other as a way to feel normal. तो इनसिक्योरिटी से क्या होता है, द फीलिंग नॉर्मल में ये जो चीज़ें होती हैं वो धीरे 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 करके ख़त्म होती रहती हैं, एंड दैट इज़ वाई वी वॉन्ट टू वर्क विद आर इनसिक्योरिटीज. सो वॉट कैन वी डू अबाउट डिफरेंट इनसिक्योरिटीज इज समथिंग आई विल पिक अप नाउ. आई ऑलरेडी स्टार्टेड विद इट. द मोर क्लैरिटी द बेटर वे टू डील विद इनसिक्योरिटी, राइट? सो वी लुक एट वॉट आर द वेज टू डील विद इनसिक्योरिटीज. Doubt and resilience. How are you connecting them? If you could tell me. As you said, you know, ye hoga nahi hoga. Uncertainty. Yeah, uncertainty. Huh. It's a doubt, you know. So you doubt everything, whatever you do, in a way. So that would also be resilience. No. No. Resilience is coming back. आप जो कह रहे हैं, ओके, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज नॉट बीइंग ओवरली ऑप्टिमिस्टिक. एज वी आस्क्ड, वी जस्ट सेड दैट यू आर गोइंग टू बी रियलिस्टिक एनफ टू से कि ये प्रॉब्लम से हम इस तरीके से निकल सकते हैं, लेकिन हो सकता है देर इज अ फेलियर ऑल्सो. सो यू आर नॉट बीइंग अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, राइट? Where you are denying the threats which could be there, which are part of it. So if you are unrealistically optimistic, then automatically क्या होता है, हमारे culture में भगवान को हम बोलते हैं आके बचा लेंगे. बाहर के culture में भी कुछ अलग नहीं है, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सुपर हीरोज बनाए हैं कि आके बचा लेंगे. So what ends up happening is you don't take the responsibility of executing something if you are not realistic, if you are overly optimistic. तो इफ यू अ लॉट ऑफ ओवरली ऑप्टिमिस्टिक पीपल से मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता था सब ठीक हो जाएगा, मतलब सब ठीक कैसे होगा, वो कैसे जानना इज इक्वली इम्पॉर्टेंट देन जस्ट द फीलिंग की हो जाएगा. सो
being in doubt a little is about being as close to realism as possible. But resilience means agar aapka failure bhi ho gaya hai, you feel that you are going to be able to outgrow. It's just one failure. It's not something that nothing can happen with my life. Right? So, resilience is a very different feeling. It is about being able to bounce back to a normal state of mental health or physical health. That is resilience. Okay? So, now what to do about insecurities? The first thing to do about insecurities is to understand your introjections. I'll tell you what these things mean. So we'll start with simpler stories. It will be easier to talk about. अपने यहाँ नर और नारायण की काफी stories हैं जो अर्जुन और कृष्ण की stories के रूप में कहा जाता है. So एक बार अर्जुन और कृष्ण किसी गांव में से जा रहे होते हैं, तो एक बहुत अमीर घर अमीर इंसान के यहाँ जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए. तो वो अमीर इंसान बहुत rudely उनको वहाँ से निकाल देता है. तो फिर नारायण उसको बोलते हैं, तेरे धन धान्य और बढ़े, एज इन उसको ब्लेस करता है दैट ही शुड बिकम रिचर. फिर वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं, तो एक गरीब इंसान की झोंपड़ी होती है, उसके पास सिर्फ एक बकरी होती है, एक खटिया होती है. वो उनको बुलाता है और वो उनको वहाँ पे बिठाता है, एंड वो बकरी का दूध ला के उन दोनों को पिलाता है एंड ऑल ऑफ दैट. उस घर से जब निकलते हैं तो नारायण बोलते हैं, तेरी बकरी मर जाए. अब ये अर्जुन बहुत अपसेट हो जाते हैं, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू, उसको बोला तेरा धन धान्य बढ़ जाए, इसको बोला कि तेरी बकरी मर जाए, व्हाट एग्जैक्टली डू यू हैव इन माइंड. सो भगवान बोले कि वो व्यक्ति को भगवान में लीन होने में या अच्छा इंसान बनने में या कुछ भी करने में बहुत दूरी है. देर इज जस्ट टू मच मनी एंड टू मच रिसोर्सेज एंड टू मच मेंटल जो भी उसका चल रहा है फॉर हिम टू कट अक्रॉस द लेयर्स एंड बिकम अ गुड मैन या जो भी आस्था लेकर आए या भगवान में श्रद्धा कर सके या जो भी है. अब ये जो गरीब इंसान था, उसकी जो मोह था उस बकरी में वो बहुत था, तो अगर बकरी नहीं होगी ही विल रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल. तो कई बार ये होता है, हम अपनी ही किसी चीज को प्यार से इतना पकड़ के रखते हैं कि उसको नहीं छोड़ सकते, इस वजह से वी डोंट प्रोग्रेस. राइट? सो मोह एक ही चीज का था, तो एक दीवार गिराने से ये व्यक्ति विल बी एबल टू टेक अ वेरी बिग लीप, वेयर इज दैट व्यक्ति उसके तो इतनी दीवारें हैं दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक अ बिग लीप. सो उसका धन धान्य और बढ़े, जो भी होता रहे उसको तो वैसे भी इस जन्म में कुछ होने नहीं वाला है, इसको नेक्स्ट लेवल पे जाने में एक ही दीवार है. इफ यू गो टू सी दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी आर लुकिंग एट, दैट the more number of insecurities a person is sitting with, a lot of times it becomes very difficult to be able to help them come across that. But wo sari insecurities, if you'll be able to club them under one thing, you know what you are dealing with. ye thoda complex question ho jata hai. kai logo ka aap agar dekhenge, there is only one insecurity. What is that insecurity? They need approval from their father. कि एक father figure हमें ये बोल दे कि तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो. वो insecurity अपने आप खत्म होके it can go to the next stage. We'll take examples from films to talk about it. आप अगर देखेंगे वो love stories में usually ये होता है कि जब प्रॉब्लम चल रहा होता है, देयर इज अ डायलॉग द हीरो और हीरोइन हैज विद एन एल्डर पर्सन. तो पुरानी कहानियों में वो जब राजकुमार जाता था राजकुमारी को ढूंढने के लिए, क्योंकि किसी राक्षसी ने उसको कैद कर रखा है, देयर बी सम वाइज ओल्ड मैन इन बिटवीन. वो साधु उसको कोई ट्रिक दे देता है या जो भी. फिल्मों में आप देखेंगे, रिसेंटली वी एनालाइज दिल चाहता है, तो इन दैट आमिर खान इज नॉट एबल टू टेल प्रीति जिंटा आई लव यू. तो उसके पापा उसको बोलते हैं, बेटा देर इज अ कारण वाई पीपल डू सर्टन थिंग्स, गो फिगर इट आउट. यही चीज उसको प्रीति जिंटा ने भी बोला होता है, किसी दिन तुम्हें बताना चाहूंगी कि मैं क्यों रोहित से शादी कर रही हूँ. राइट? बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम अ फादर, व्हेन इट कम्स फ्रॉम समबडी यू बिलीव हु नोज बेटर अबाउट लाइफ,
that little validation or reassurance coming from an elderly can end up becoming a very big boon compared to agar aapke keval dost aapko reassure karte rehte hain nahi ho jayega, tere se to ho jayega. But any knowing person, a wise person entering a person's life automatically makes a person lesser insecure. So what does a person need to do to deal with insecurity? Trust. That is the biggest solution for insecurities. But I'll talk about introjections first. इंट्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जो भी हमने जाने अनजाने बाहर के लोगों से यूं का यूं ले लिया है तो मेरे अंदर मेरे पापा की कुछ खूबियां हैं मेरे अंदर मेरी मम्मी की कुछ खूबियां हैं मेरे अंदर वो है ना वो किताब पढ़ी थी उसका हीरो मुझे बहुत पसंद आया था उसकी खूबियां हैं मेरे अंदर वो टीचर की खूबियां मेरे अंदर वो फ्रेंड सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इन आवर इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इज वी कीप टेकिंग और इंट्रोजेक्टिंग अपने अंदर हम लोग इंजेक्ट करते रहते हैं मेनी थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड सो हमारे इंट्रोजेक्शंस के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा इंट्रोजेक्शन है हमको वो समझना है यानी कई बार ये होता है कि मेरी अपनी इनसिक्योरिटीज है ही नहीं दैट इज अ फैमिली स्क्रिप्ट यानी परिवार में ये इनसिक्योरिटी चली आ रही है पैसा नहीं है मम्मी भी ऐसा ही बोलती थी दादाजी भी ऐसा ही बोलते थे उससे पहले भी यही बोलते थे तो आई एम अर्निंग 10 times द सैलरी माई फादर डिड बट आई विल स्टिल से नहीं पैसा नहीं है सो ये मेरी अपनी इनसिक्योरिटी है या इट इज इंट्रोजेक्टेड फ्रॉम समवेयर एल्स एंड वन ऑफ द थिंग्स आई रिमेंबर शेयरिंग विद यू पीपल इज दैट वेन आई वॉज वर्किंग विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आई बिगैन टू बिकम इनसिक्योर अबाउट वेदर माई हस्बैंड इज हैविंग एन अफेयर सो आई वेंट एंड आई टोल्ड हिम यू बेटर टेल मी इफ देयर इज समथिंग गोइंग ऑन Right? So that is an introjection that ended up happening in what I was listening to a lot. Yeah, I have 2 daughters. Now I'm a lot more confident. But I worked with a lot of adults with child sexual abuse. So when I was only 25, 26 at that point of time, I had already worked with about 500 people jinka child sexual abuse ho chuka tha. So I would constantly be insecure. About every minute that I was away from my daughters. Because constantly you're only hearing about child sexual abuse. Yes, I left my daughters after they began to talk and told them this is good touch, this is bad touch, if this happens, do this. All of that happened. Yet, the insecurity was very, very high. Why? Because it was introjected from the outside. Which was ruffling the fear that I was having inside. So, इंट्रोजेक्शंस की वजह से अगर इनसिक्योरिटी है यू नीड टू नो वेदर इट इज योर प्रॉब्लम और यू आर कैरिंग समबडी एल्सेस प्रॉब्लम दैट इज वन वे टू लेट गो इनसिक्योरिटी बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ट्रस्ट हाउ कैन वी नॉट बी इनसिक्योर That is resilience. That is exactly what I'm, what we were talking about. That yes, outside world में अगर कुछ होता है, कुछ वक्त के लिए डर रहेगा, then you outgrow, the resilience kicks in and you are normal again. But insecurity हम डर को नहीं बुला रहे हैं. Insecurity we are calling a chronic problem, which over a period of time has become a way of your thinking, a way of your feeling. ठीक है? तो उस चीज को जो हमें एलिविएट करना है वो फर्स्ट वील नीड टू रिकॉग्नाइज दैट इनसिक्योरिटी सडनली डज नॉट किक इन व्हेन वी आर एडल्ट्स सॉल्यूशन ओरिएंटेड पेरेंटिंग में अगर आप बड़े हुए हैं या बेटा प्रॉब्लम्स होता है चलता है फिर भी अपन खुश तो रह सकते हैं इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरी रेजिलियंट पेरेंट्स तो फिर दीज पीपल कैन डील विद लाइफ मच बेटर बट इफ यू आर ब्रॉट अप इन वेरी इनसिक्योर एनवायरमेंट्स Then what you have to start doing is, you have to start with the basis of trust. Okay? So here we'll talk about a theorist named Eric Erickson. He said that her feeling develop hone ke, her ability develop hone ke, ek alag age hota hai. So trust kaun si age mein develop hota hai bachche ke andar? Trust
एंड मिस्ट्रस्ट, ये दोनों एबिलिटीज डेवलप होती है बिटवीन द एजेस ऑफ 0 to 1.5. द चाइल्ड बिगिन्स टू ट्रस्ट द एनवायरमेंट टू टेक केयर ऑफ इट. बच्चे को सिर्फ रोना आता है, वो रोता है, देन मम्मी नोज व्हाट टू डू. उसको खाना खिलाना है या कपड़े बदलने हैं या उसको सुलाना है या जो भी करना है. सो ऑटोमेटिकली द फैक्ट दैट इवन इफ आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई एम गोइंग टू बी कंफर्टेबल एंड आई एम गोइंग टू बी ओके. अब ये देखिए, ये दिमागी रूप से नहीं डेवलप होता है, वो बॉडी में डेवलप होता है. बच्चा कंफर्टेबल फील करने लगता है या अनकंफर्टेबल फील करता है. अ गुड बैलेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट. आप अगर केवल ट्रस्ट में ही रह जाओगे बड़े होने के बाद भी, तो यू विल बिकम नाइव एंड लोग आपको इजीली बेवकूफ बनाएंगे. तो आप में वो मैच्योरिटी आना पड़ेगा टू बी एबल टू कैलिब्रेट द सिचुएशन एंड हैव इक्वल अमाउंट ऑफ मिसट्रस्ट. तो व्हेन यू हैव द राइट बैलेंस ऑफ ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, देन यू कैन डेवलप द एबिलिटी टू बी होपफुल. तो अगेन एंड अगेन आई थिंक ओवर द नंबर ऑफ लेक्चर्स, द वन थिंग दैट वी आर एम्फसाइजिंग ऑन अ लॉट इज दैट वॉट वी नीड इन लाइफ इवन फॉर अस टू फील सिक्योर इज द राइट बैलेंस. नॉट रिजेक्टिंग इवन द नेगेटिव इमोशंस, बींग एबल टू टेक द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव इमोशंस टूगेदर एंड देन मूविंग अलोंग साइड. ठीक है, सो I'll run you through this one a little fast because we don't want to go into too much detail. We'll take another class on this some other day. So trust and mistrust are the first feelings that develop in the child, which leaves the child with becoming a hopeful or a hopeless person later on in life. The second particular thing is autonomy versus doubt. ये 1.5 से 3 साल के बीच में बच्चे में शुरू होता है. ऑटोनॉमी यानी बच्चा अपने आप काफ़ी चीज़ें करना चाहता है. आप ही खाऊंगा, आप ही कपड़े चेंज करूंगा या आप ही शूज़ पहनूंगा. ऑल दो दे टेक 25 मिनट्स टू मे बी पुल अप वन शू, बट उनको वो अपने आप करना होता है. मैं करूंगा, राइट, एंड देर इज थिंग्स मुझसे नहीं हो रहा है. ठीक है, नाउ द पेरेंट्स हैव टू लेट द चाइल्ड ट्राई इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमसे नहीं होगा. बट हाउ डू यू स्टिल से नो, आप अगर बच्चा आपको बोलता है कि मैं एक रोटी जाकर पापा के प्लेट में रखूंगा, यू गोना से यस. बट अगर बच्चा बोलता है कि दाल, गरम दाल आई विल टेक, यू विल ऑफकोर्स से नो, राइट. सो वॉट एंड अप हैपनिंग, अ वेरी क्लियर येस और नो विल एंड अप द चाइल्ड हैविंग अ थिंग ऑफ मैं अपने आप ये चीजें कर सकता हूँ and having doubt saying मैं ये नहीं कर सकता हूँ. You need a balance of both. You don't need an overconfident kid जो जबरदस्ती के risks लेता रहे. And you don't need a child to feel मुझसे तो कुछ नहीं होता. And ये दोनों चीज़ें जब इंसान में develop होती है तो उसमें develop होता है a will power, a determination. क्योंकि आपको अपनी strengths पता चलने लगती है, आपको अपनी weakness पता चलने लगती है. So when I'm saying that a person needs to trust as the first thing to be able to come out of insecurity means what I'm trying to say is आपको खुद से नहीं लड़ना है कि I should feel insecure, I know I'm thinking wrong, I know I should not be thinking like this. Don't fight yourself. Just find somebody you can trust, you can go back to, you can talk, you can ask for advice and you will try it because they have said. Now यहाँ पे it is better if you go to somebody older. Why do you want to go to somebody older? Because वो फिर experimentation नहीं होगा, वो tried and trusted आपको बातें बताएंगे. So automatically experience will kick in. So the more we are going to be able to trust somebody else, the easier it is to come out of insecurity. The more we are going to mistrust the world, the more the insecurity will continue to stay with us. Okay. The right balance of autonomy and doubt will make us fight our insecurity. But if you become overconfident or if you say mujhse to hoga hi nahi, either of those two things will make the thing continue. So what we need to understand is a little amount of insecurity is good. It just helps you push your boundaries. It helps you know your weaknesses. And how can you have the right amount of insecurity?
मुझे अभी पूरा दोहा तो याद नहीं आ रहा है, कबीर का दोहा है और निंदक नियरे राखिए, दैट कीप योर क्रिटिसाइजर्स अराउंड यू, डोंट ऑलवेज बी अराउंड यस मैन, यू विल नेवर बी एबल टू ग्रो इफ यू आर अराउंड यस मैन. तो द मोर यू आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, एक होता है रिडिक्यूल एंड बिलिटलिंग, एक होता है अपमान, एक होता है सही तरह का criticism. So the more you are okay and open with criticizing people being around you, you will automatically come out of your insecurities much faster. The more you look at only support, biwi ka bhi support chahiye, iska bhi support chahiye, uska bhi support chahiye, support 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 support, you will remain an insecure life throughout, kyunki you will not get the ability and the resources to stand up. To अपने पांव पर खड़े होना, यानी टू बी एबल टू थिंक फॉर योरसेल्फ, टू बी एबल टू नो होम टू ट्रस्ट एंड टेक एडवाइस फ्रॉम, टू बी एबल टू नो व्हाट टू फाइट एंड व्हाट टू जस्ट एक्सेप्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल एंड अप हेल्पिंग अस कम आउट ऑफ आर इनसिक्योरिटीज. नाउ एट टाइम्स आई फील अ लिटिल बैड, आई फील I am not able to come up with things saying ये 10 चीजें करो तो insecurity खत्म हो जाएगी. I kind of make it too complicated and theoretical, but still I'll try and give some 10 tips to come out of insecurity. First, 15 दिन के लिए किसी के भी gossip करना एकदम बंद कर दीजिए. सिर्फ 15 दिन के लिए किसी तीसरे के बारे में आप बात नहीं करेंगे. पड़ोस की लड़की ने ये किया, नरेंद्र मोदी ने वो किया, उसने वो करना चाहिए था. इन 15 डेज यू विल ऑटोमेटिकली सी दैट यू आर लेसर इनसिक्योर. सेकेंड, व्हेन यू आर फीलिंग इनसिक्योर, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट माइट एंड अप फीलिंग व्हाट हैज वाटर गॉट टू डू विद द मेंटल इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी एंड्स अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. So when you are keeping it calm with keeping yourself well hydrated, automatically you feel more energy to be able to deal with the outside world. The third thing, like I said, find the right people you can trust. अब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम third, fourth standard तक की बात करें, हमको एक या दो ही teacher को expose किया जाता है, राइट? केवल एक ड्राइंग या पीटी के टीचर अलग होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम टीचर पढ़ाती है. बट फिफ्थ में हम जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चार पांच टीचर, हर सब्जेक्ट का अलग टीचर. एट नाइन टेंथ में जाते हैं तो और भी एक्सपोजर होता है. एंड कॉलेज में तो आपको आउटसाइड लेक्चरर्स का इतना एक्सपोजर होता है दैट मेन टीचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल अलोन फॉर योर ग्रोथ. सो जैसे जैसे यू नो दैट यू आर बिगिनिंग टू डेवलप, फाइंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर पीपल टू ट्रस्ट. When I mean trust, यानि आप उनकी समझ को value करेंगे. So it doesn't need to be a person कि आप उनको जाके trust करें. It could be something you read in a book. It could be a quotation. If you are going to be able to trust that that is possible, automatically insecurity से हम लोग बाहर आ पाएंगे. Fourth, don't deny negative emotions. You are jealous? You are jealous. It's okay. Jealousy 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी. You are angry? You are angry. It's okay. Ask yourself, why are you angry? You are scared? You are scared. So if you will permit yourself the negative emotions in your life also, then automatically you will be secure. Fifth, use a lot of hugging. Give hugs. Receive hugs. I'm not saying anybody and everybody. Find that comfort with the people that you are comfortable around. But the more you're going to be a little more open with your body and you're going to be okay with receiving the warmth of somebody, then automatically the sense of security will begin to develop. Sixth, permit yourself to be childlike in situations. You don't always have to be mature about things. You don't always have to be understanding about things. So they एक होता है childish होना कि आप annoying हरकतें करते हैं, एक होता है बचपना होना कि आप खुल के हंस लेते हैं, आप खुल के रो लेते हैं, आप
किसी से हर्ट भी हैं तो बच्चों को आप देखेंगे वो ग्रज नहीं रखते हैं, वो वापस से उस व्यक्ति के पास चले भी जल्दी जाते हैं, जितना जल्दी कट्टी करते हैं उतना जल्दी बट्टी भी कर लेते हैं. सो परमिट दीज टेंडेंसीज ऑफ योर्स ऑफ बीइंग चाइल्ड लाइक टू बी एबल टू फील सिक्योर अगेन. सेवेंथ, फाइंड न्यूअर थिंग्स टू डू इन लाइफ. कई बार बोर्डम कैन लीड टू इनसिक्योरिटी दैट आई एम स्टक इन अ स्मॉल प्लेस. तो कुछ नया सीखिए, म्यूजिक सीखिए, डांस सीखिए, जो भी, कराटे सीखिए, क्रिएटिव राइटिंग सीखिए. तो अगर आप कुछ नया सीखेंगे जो आपको ऑलरेडी नहीं आता है, ऑटोमेटिकली यू विल बिगिन टू नो दैट हर इनसिक्योरिटी से निकला जा सकता है. आई एम नॉट गुड इनफ बट आई कैन लर्न टू बिकम गुड. एट, स्माइल. You have reason, you don't have reason, find reason to smile. It is okay to smile at strangers. You are not going and touching them or forcing them in any way. Aapki aankhein mili, you smiled. So the more you will smile, the more your heart opens up, the more your heart opens up, the lesser insecure you'll end up feeling. Ninth, I don't know what to call this. I'm not being spiritual, religious in my thing. Believe in God. I don't know what God is, so I'm not going to try and convince in any form. But just believe कि जब आपको कुछ चाहिएगा, वो आपको वो चीज़ मिल जाएगी. तो permit goodness to happen to you. And every day do one random act of kindness. Anything. It could be very simple. एक गरीब बच्चे को आपने एक वड़ा पाव खरीद के दे दिया. It could be something as simple as that. So, keep your eyes open to be able to do a random act of kindness. And these 10 things, if you will practice consistently, you will see that in some time you'll just have the right amount of insecurity and not an insecurity which will end up handicapping you or taking away faith, confidence and resilience from you. So the most important things to deal with life is faith, confidence and resilience. ये तीन चीज़ों को आप preserve कर पाएंगे जितना ज़्यादा आप secure अपने आप को रख पाएंगे. And आप secure रख पाएंगे if you practice these 10 things in your life. So that's what I have for you today. Thank you.